जैसा कि आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा चुनावी चर्चा में कई पार्षदों सभासदों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, क्या आज हम आए हैं वार्ड नंबर 8 में एक ऐसे ही आपके योग्य ईमानदार जो सभासद मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो आइए जानते हैं उन्होंने जितने वादे किए कि अपने वादों पर खरे उतरेंगे और किस तरह से अपने वार्ड की दरिद्रता को दूर करेंगे और क्या क्या नीतियाँ रहेंगी। तो सबसे पहले सर का नाम, मैं अरविंद ठाकुर, एचएमए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र चौधरी, पहले सबको जय राम। और मोहल्ले में जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए सबको पब्लिक तक पहुंचाऊंगा। सर जैसे आपने अभी विजय प्राप्त की है, जिस प्रकार आपकी जनता ने आपको भरोसे के साथ जताया है और आपको इस जिस प्रकार भरोसा किया है, क्या आप उसी प्रकार आपने उसके भरोसे को बनाए रखेंगे और किस प्रकार अपने वार्ड का विकास करेंगे, क्या क्या नीतियाँ रहेंगी आपकी? मोहल्ले में जैसे किसी बेटी की शादी हो उसके लिए हमारी तरफ से योजना चल रही है, इससे 6 महीने से पहले कर रहे हैं हम। और मोहल्ले पानी है और आपका नाली है, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। और जो कीचड़ मच्छर हैं इनकी दवाई दूरी की व्यवस्था बहुत की जाएगी। और गड्ढे हैं भी हुई हैं और जैसे पुलिया वगैरह हैं इनके भी ध्यान दिया जाएगा। सर जैसे आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, पिछली बार खड़े हुए थे, तो पिछली बार क्या क्या समस्या थी आपके वार्ड की? बहुत सारी बार समस्या थी, जैसे पानी गड्ढा और निकास नहीं है पानी का, यहाँ पर पानी भर जाता है मोहल्ले बस्तियों में, उसके लिए नाला बनेगा, उसके लिए हमारे जैसे कि आपने बताया कि पहले ये समस्या थी और अब आप जीत चुके हैं तो अब भी वही समस्या है जो यहाँ के पूर्व सभासद वार्षद जितने भी रहे हुए हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं कराया? वही समस्या फिर भी है आगे, जैसे आप आगे चुनाव लड़ो, आगे कोई खड़ा हो, फिर भी वही समस्या आएंगी, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, किस प्रकार करोगे? नहीं, 2-2.5 साल तो यहाँ विवाद होता रहा मेंबरों में, चुनावों में, इसके लिए कोई विकास नहीं हुआ। और हमारे मोहल्ले में जैसे बथवारी गेट में लाइट की बहुत समस्या नहीं है, जनरेटर की लाइट टानूरी से आती है वो भी खत्म हो चुकी है, हर लट्ठे पर लाइट नहीं है, वो भी हमने आपकी दुआ से 6 महीने पहले से हर लट्ठे पर बल्ब लगवा दिए थे, आज वही उसी के द्वारा नतीजा हो रहा है। और अब आगे की नीति है हर लट्ठे पर मकरी, हर मोहल्ले में लाइट होनी चाहिए। और जैसे गरीब कन्याएं हैं उनकी शादी में जैसे सुमंगला योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं, तो किस प्रकार आप उनके योजनाओं का लाभ दिलाओगे? जो भी है सरकार की योजना है उनके लिए उन तक पहुँचाई जाएगी और हमारी तरफ से। तो आपके वार्ड में कितने लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है राशन का? उसमें सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, उसमें क्या राशन कट चुके हैं और जो 5 किलो ट्रीटमेंट था वो 4 किलो ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसकी शिकायत ऊपर सरकार की जाएगी। और काफ़ी लोग इसमें से 10 लोग हैं, 3-10 का होना चाहिए, उसको 9 कर दे रहे हैं, ये भी गलत बात है। तो सर का कहना है कि आपके इनके वार्ड में काफ़ी जैसे लाभार्थी हैं, लाभ योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सर आपको आप जैसे राशन मिल रहा है तो राशन में पर यूनिट पर कितना राशन मिलता है? 5 kg मिलता था, अब 4 kg दे रहे हैं। और आगे जैसे विकास के प्रति क्या दायित्व है आपका? विकास जो योजना मिलेंगे या पेंसिलें आपके राशन कार्ड हैं इन पर ध्यान दिया जाएगा। और जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे जल भरा पड़ा है, तो क्या जल भरा वैसे ही पड़ा रहेगा या फिर समय पर सफाई रहेगी? नहीं, समय सफाई रहेगी, जो जाल की समस्या वहाँ जाल पहुँचाया जाएगा, जाल पड़ेगा, जो हमारा रामजीला ग्राउंड है इस जगह जाल की समस्या पड़ेगी, क्यों यहाँ एक धर्मस्थल जी की जगह है, इसमें रामलीला होती है और भी प्रोग्राम होते हैं, ब्याह शादी भी यहाँ चौक में होती है। और जैसे अगर आपके वार्ड में किसी सदस्य को आदर समस्या होती है तो किस प्रकार समस्या का समाधान करेंगे आप? पूरी दात तन बंधन से तैयार हैं उसके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो समस्या के लिए गेट पे खड़ा है आप बोल दोगे मैं घर पे नहीं हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, अभी परसों की रात है, एक रात को एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, रात को 12 बजे फोन किया था, हम उसमें भी पहुँचे थे, हमारे साथ मनोज डॉक्टर साहब इनके पास पूछे थे कुछ लोग। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।